डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने आज राजौरी के दूरदराज लदियोट गांव में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की क्यादत की। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि अलग अलग सरकारी महकमों के ऑफिसरान इसमें शामिल हुए। मकामी लोगों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल का उनके इलाका में इस्तकबाल किया गया और इस दौरान ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में खिताब करते हुए इन लोगों ने अपने इलाके की परेशानियों को गिनवाया। इनका साफ कहना था कि उनके इलाके में कई तरह के मसाइल दरपेश हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी एक बनी हुई सड़क की खस्ता हाली व दीगर कुछ इलाकों में नई सड़क तामीर करने की मांग को लेकर है। लोगों ने इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल के कामकाज की सताइश करते हुए कहा कि उनके इलाके में इससे कबल कई तरह की परेशानियां दरपेश थी, लेकिन कुछ चेक का हल किए जाने के मकसद से जिला इंतजामिया की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं और वो उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही कुछ परेशानियां हल हो जाएंगी और ये उम्मीद भी है कि दीगर परेशानियों का व दीगर मसाइल का हल किए जाने के मकसद से भी ज़रूरी इकदाम उठाए जाएंगे और जल्द ही दूरदराज लदोट व गिरदोनवा के इलाकों में रहने वाले लोगों को कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात की कमी नहीं रहेगी। इसी ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने लदोट गाँव में एक नई वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत की व इसके अलावा लदोट में ही रतल पुल के पिछले 5 सालों से बंद पड़े कामकाज को भी शुरू करवाया। ब्लॉक दिवस रखा था लदियोट पंचायत में, काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है हमारे डोंगरी ब्लॉक का और जोरी डिस्ट्रिक्ट का। इस एरिया को हम कवर नहीं कर पाए थे तो हमारी आज हमने इसको कवर किया है और मेरी दो चीज़ें हमने की हैं। एक तो हमने एक यहाँ लदियोट ब्रिज की को काम शुरू करवाया और दूसरा वाटर सप्लाई स्कीम लदियोट का इनाग्रेशन किया है। हमारी BDC मैडम भी हमारे साथ थी इस इनाग्रेशन में और उन्हीं ने इस एरिया की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी ली है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे ब्लॉक दिवस किया, लगभग सारे सरपंचज ने अपनी बात रखी। मेजर इशू जो सामने आए वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर आए। रोड कनेक्टिविटी जो है एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि टाइम इंटेंसिव एक्टिविटी होती है और उसमें पैसा भी बहुत लगता है, रिसोर्स इंटेंसिव भी होती है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें काम किया है। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिना रोड कनेक्टिविटी के रह गए। इस साल हमारा टारगेट है उन इलाकों को हम कवर करेंगे, जैसे कालाजंगड़ का इलाका है जहाँ कलालकस ए का इलाका है, उनको इस साल हम कनेक्टिविटी देंगे और ताकि उनकी डेवलपमेंट जो है अच्छे से हो। चेयरपर्सन ताजिम अख्तर जी, यहाँ के सरपंच, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और यहाँ की आवाम जो सुबह से ही हमारा इंतज़ार कर रही थी। ये इस नाले में हमारा चौथा ब्लॉक दिवस है और मुझे ये बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि हर ब्लॉक दिवस के बाद हमने इस इलाके में चेंजेस देखे। पहली बार जब हम इस ब्लॉक दिवस यहाँ करने आए थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे लोगों के, कुछ JJM की स्कीम का कुछ पता नहीं था, आवास प्लस के लिए लोगों के अंदर रोष था, नरेगा के काम नहीं चल रहे थे, पानी की समस्याएं थी, रोड के अंदर पसियाँ का इशू था। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमने सारे इशूज़ रिजॉल्व कर दिए, लेकिन काफ़ी हद तक जो इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं। JJM की सारी स्कीमें जो हैं वो चल पड़ी हैं, सारी नाले में जितने भी सोर्स थे वो चल पड़े हैं और अगले 2-3 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए हमने इस इलाके में 2 पुल दिए हैं, एक लदियोट का पुल जिसे आज हमने एक तरीके से उसका काम शुरू करवाया है और दूसरा बिंदी जुमोला का पुल जो पार उस इलाके को भी कनेक्ट करेगा, 2 पुल। इसके अलावा एक एडिशनल रोड हमने इस इलाके में रखी है। आज हमें जो मेन डिमांड बन के आई है वो है कोई जुमोला लोअर से लेके जमोला लोअर का है और काला जंगड़ रोड है, ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस रोड पे हम काम जल्दी से शुरू करेंगे, किसी न किसी स्कीम के शायद हम इसको जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा सरपंच जो है लदियोट की, उन्होंने PHC की डिमांड की है तो PHC की डिमांड पे हम जो है काम करेंगे और इसको बहुत जल्द इस एरिया में PHC को सेंक्शन कराएंगे। किसी सरपंच ने बताया कि उनकी पंचायत जो अनकनेक्टेड रह गई है अभी कलालकस के, इस फैक्ट को हम वेरीफाई कराएंगे। अगर उनकी बात में थोड़ा सा भी सच होगा तो हम किसी न किसी स्कीम के तहत, चाहे RDD, PMGSY, ट्राइबल, कहीं ना कहीं से उनको एक रोड जो है उनके गांव की कनेक्टिविटी जो हम ज़रूर देंगे। इसके अलावा स्कूलों की अपग्रेडेशन के बारे में बात की गई तो उस पर भी काम किया जाएगा। मैं CMO साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि PHC जो है हमारी, उसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को चेक करें और अभी जाने से पहले, जोरी हेडक्वार्टर जाने से पहले एक बारी जो राउंड है वो इसका चेक करके जाएं कि वहाँ पर कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पर कुछ डिमांडें आई हैं कि बिजली का कट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसमें 0 कट उन्होंने किया है सारे 11 KV फीडर्स का। वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, मैं एक्सियन साहब को
रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद देखें और एक दो जगह पे चक्कर भी लगाएं कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के अंदर, प्रॉब्लम आ रही है बिजली को लेके। लोगों ने बोला है कि विंड से जब कहीं पिछले दिनों जो नुकसान हुआ है अभी तक वो तारे जोड़ी नहीं गई हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट्स के हैं या जो भी एक्सएन है डब्ल्यू है वो एक बार चेक कर लें। एक फीडर एडिशनल हमने पिछली बार डिसाइड किया था कि बडून जैसे ही वो स्टेशन तैयार हो जाएगा तो हम इस इलाके का जुमला का एक एडिशनल फीडर वहाँ से निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगले एक डेढ़ महीने में आपको एक सेपरेट फीडर जो है बडून से वो मिलेगा और मुझे लगता है कि उससे इस इलाके की बिजली की समस्या है वो दूर होगी। इसी साल आपको एक्सिस बैंक की तरफ से एक जुमला लोअर ए पंचायत में एक बैंक ब्रांच दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि पूरे इलाके को जो है उससे फ़ायदा होगा। 2.5 किलोमीटर का रोड जो जुमला ब्रिज तक जाना है जिसपे काम नहीं शुरू हो पाया है, जिसपे हम पैदल चल के आए हैं अभी, उस पर भी काम हम शुरू करेंगे ताकि जो पार की पंचायतें हैं उस पर कनेक्टिविटी हो। चूड़ागली रोड पे जो काम डिले हो गया किसी वजह से, लेकिन इस साल उसको हम पूरे मुकम्मल तरीके से ख़त्म करेंगे और आपको बाय दिसंबर जो है ये पूरा रोड CRF का बन के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा लोगों ने सोशल वेलफेयर की तरफ से कुछ बातें रखी हैं अपनी कि हमें पेंशन की स्कीमें नहीं मिल रही हैं, तो मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि जो पेंशन की स्कीमें हैं सबसे अच्छे तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई हैं। शुरू के दिनों में जो थोड़ी प्रॉब्लम्स रही लेकिन उनको ओवरकम कर लिया गया और हमने डॉक्टर्स को आमतौर पर हिदायत थी कि ओल्ड एज पेंशन के लिए जैसे डॉक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आना था, लेकिन हमने डॉक्टर्स को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुंदरबनी नौशहरा कोटरंका तक भेजा। इवन जहाँ से ही हमने डिमांड भेजी, जब शुरुआत में सिर्फ जुडिशरी का एक सर्टिफिकेट लग रहा था तो हमने ही यहाँ से लेटर लिख के पूरी UT के लिए उसको कन्वर्ट कराया और वो आज मजिस्ट्रेट तहसीलदार का भी सर्टिफिकेट उसमें लग रहा है। तो हमने जितनी सहूलियात आपको देने की कोशिश की है इस पे पेंशन केसेस में हमने की हैं, फिर भी अगर कोई एक दो केस जो है अगर रह गया तो आप उसे हमारे टोल फ्री नंबर जो है 9419200343 पर भेज सकते हैं। ये नंबर अजाला ऐप का नंबर है जो हमने एक नया इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है। किसी भी डिपार्टमेंट की ग्रीवियंस हो आप इस नंबर में व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। आपको हमारे वहाँ पे ऑफिस में सेल बना है, वो आपसे चैट करेंगे, आप अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम भेज सकते हैं, जो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है उसकी लोकेशन जियो टैग करके भेज सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं, आपको उसका इमीडिएट रेजोल्यूशन मिलेगा। आपको मैं नहीं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर और ब्लॉक दिवस करें, लेकिन अगर आपको और ब्लॉक दिवस हम करेंगे तो ये जो आज इस रोड पे आपने आगे डिमांड की है जिसको आगे तक लेके जाना है बकोरी तक, तो उस पर जरूर काम करेंगे। ज़्यादा मुझे इस एरिया में प्रॉब्लम कुछ नहीं लगती है, बस यही है कनेक्टिविटी का इशू है, उसको हम धीरे धीरे करके दूर करेंगे तो मुझे लगता है कि सारे आपके डेवलपमेंट इशूज रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड में आप यहाँ पे आए, हमारे इशूज को, हमारी प्रॉब्लम्स को आपने आपने उजागर किया और हमारी सोल्यूशन। धन्यवाद, बहुत बहुत।